बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है ब्लड एंड इट्स कंपोजिशन। ब्लड हमारे पास फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन टू द सेल। हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मिलियन ऑफ सेल होते हैं और ये अपना जो रेगुलर जो फंक्शन होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, यानी फ्यूल और ऑक्सीजन रिक्वायर होता है टू फंक्शन प्रॉपरली। तो ब्लड हमारे पास क्या करता है, ब्लड ये मदद करता है सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रन ट्रांसपोर्ट करने में। तो उसको जब ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं तो सेल हमारे पास क्या करते हैं, प्रॉपरली फंक्शन करते हैं। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको रिमूव बॉडी से रिमूव करने में भी ब्लड मदद करता है। हमारी बॉडी जो इन्फेक्शन से फाइट करती है तो ब्लड इन्फेक्शन फाइट करने में भी मदद करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में जो वेट होता है बॉडी वेट, तो उसका 8% हमारे पास क्या होता है, वो ब्लड पर मुश्तमिल होता है। और हमारी बॉडी में 5 to 6 liter क्या होता है, जो अमाउंट होती है वो ब्लड की होती है। फंक्शन ऑफ ब्लड, तो ब्लड हमारे पास डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। सबसे पहले ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, यानी जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं हमारे पास क्या होती है, कार्बन ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, तो ब्लड इस फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद करता है। ऑक्सीजन हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन आती है तो वो ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है और डिफरेंट पार्ट में जाती है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बॉडी से बाहर जाती है और हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रंट होते हैं जो डाइजेस्टिव फूड हमारे पास क्या होता है, ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये एब्जॉर्ब जो फूड होता है तो ये जो बॉडी के डिफरेंट सेल होता है वो ब्लड के ज़रिए डिफरेंट सेल में जाते हैं। जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड इसको डिटॉक्सिफाइड करने में मदद करता है और फिर रिमूव होते हैं बाय लिवर एंड किडनी। इसके अलावा जो हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है वो क्या होता है, ब्लड के विद द हेल्प ऑफ ब्लड हमारे पास क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है। तो ब्लड हमारे पास कंपोज क्या होते हैं, जो हमारे पास ब्लड होते हैं उसके 3 स्पेशलाइज्ड एलिमेंट होते हैं। हमारे पास क्या है, रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिसको एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। हमारे पास सेकंड होता है वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स होते हैं। तो जो ब्लड वेसल में हमारे पास ब्लड जाता है वो बेसिकली कंपोज किसका होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, हमारे वाइट ब्लड सेल्स और हमारे पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। जो ब्लड प्लाज्मा होता है वो हमारे पास क्या होता है, लिक्विड पोर्शन में होता है और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स न्यूट्रंट होते हैं, जैसे वाटर हमारे पास होता है, प्रोटीन, हार्मोन्स, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड प्लाज्मा हमारे पास क्या होते हैं, मिक्सचर है प्रोटीन, एंजाइम्स, न्यूट्रन और वेस्ट प्रोडक्ट का, इसके अलावा हार्मोन्स और गैसेस होती हैं। तो जो बेसिकली हमारे पास जो 55% वॉल्यूम हमारे पास जो ब्लड होता है वो क्या होता है, जो ब्लड का वॉल्यूम होता है 55% वो ब्लड प्लाज्मा पे कंपोज हुआ होता है। और ब्लड प्लाज्मा में हमारे पास जो मेन कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है, जो कि 90% प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं जो कि 7 to 8% होते हैं, और प्रोटीन में हमारे पास फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है जो कि मेन रोल क्या कहते हैं, प्ले करता है कोगुलेशन में। और हमारे पास साल्ट होते हैं, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम आयन्स होते हैं, ग्लूकोज होता है 0.1% और अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स होते हैं 2 to 3%। तो ये प्लाज्मा हमारे पास क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन है, एंजाइम्स, न्यूट्रंट और वेस्ट प्रोडक्ट का होता है, हमारे पास वेस्ट होते हैं, हार्मोन्स और गैसेस होती हैं।
ये हमारे पास जो कलरलेस वो हमारे पास जो पोर्शन है ब्लड का वो क्या है, प्लाज्मा है। इसके अलावा वाइट हमारे पास क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड सेल्स तो हमारे पास जो बॉडी ब्लड सेल्स में जो 45% पार्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, ब्लड का वो ब्लड सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स में प्लेटलेट्स के अलावा हमारे पास क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसका हमारे पास सेकंड नेम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स होता है और ये हमारी बॉडी में क्या होता है, न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास बाइकनकेव डिस्क होती है जिसमें न्यूमरस नहीं होता। तो एरिथ्रोसाइट्स हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बाइकनकेव डिस्क होती है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता और ये हमारे पास जो कॉर्नर से क्या होता है ये थिक होता है और मिडल में ये थिन होता है। तो इसकी जो शेप होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये क्या करता है, जो स्मॉल कैपिलरीज वगैरह होती है उसमें ईजिली मूव करता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम सरफेस एरिया ये प्रोवाइड करता है फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, यानी इसमें गैसेस डिफ्यूज हो जाती हैं। प्राइमरी फंक्शन हमारे पास जो मेन फंक्शन रेड ब्लड सेल्स का है वो क्या है, वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास रेड ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, एक प्रोटीन होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं और हीमोग्लोबिन हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से ऑक्सीजन क्या होते हैं, सेल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। रेड कलर जो हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का होता है वो इस प्रोटीन हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और रेड ब्लड सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, ये 5 मिलियन हमारे पास जो वन जो ईच क्यूबिक मिलीमीटर होता है ब्लड का, तो इसमें 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स होते हैं। रेड ब्लड सेल्स की जो एवरेज लाइफ होती है या लाइफ स्पेन है वो हमारे पास क्या है, 120 डेज है। तो 120 डेज हमारे पास के बाद हमारे पास क्या होते हैं, ये ख़त्म हो जाते हैं और फिर न्यू रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स हमारे पास क्या है, ये कलरलेस होते हैं और ये हमारे पास जो साइज़ में होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज होते हैं देन रेड ब्लड सेल्स। यानी हमारे पास देखें ये कलरलेस होते हैं, हमारे पास जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रेड होते हैं इन कलर। ईच हमारे पास जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हमारे पास ये क्या होते हैं, हैज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स ये अमाउंट में कम होते हैं। यानी हमारे पास जो 1 क्यूबिक मिलीमीटर होता है तो उसमें क्या होता है, 700 हमारे पास 7000 to 8000 वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। इसके जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है वो क्या करता है, बॉडी को जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या डिजीज़ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरल और बैक्टीरिया के अटैक से बचाते हैं, उससे प्रोटेक्ट करते हैं। और ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो हमारे पास रेड बोन मैरो होती है वहाँ पे प्रेजेंट होती है और इसकी लाइफ स्पेन हमारे पास क्या होती है, 3 to 4 डेज होते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं देन रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स और ये ओवल इन शेप होते हैं और इसमें हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता। हमारे पास 1 क्यूबिक मिलीमीटर जो होता है ब्लड, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, 250,000 to 500,000 क्या होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स कंटेन करते हैं। ब्लड जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं इसका जो मेन फंक्शन होता है वो इम्पोर्टेंट रोल करता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग ब्लीडिंग। यानी हमें कोई कट वगैरह लग जाता है तो उस वहाँ पे क्लोट फॉर्मेशन में मदद करता है, ब्लीडिंग को रोकता है। तो मेन फंक्शन इसका क्या है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड है।